हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीकेएस केयर यूट्यूब चैनल। आम मैंने लास्ट फिजिक्स क्लास रे लेक्चर नंबर 18 सारी थे, आज लेक्चर नंबर 19 करवा। साउंड चैप्टर एमसीक्यू आज स्टार्ट हो। तो फास्ट क्वेश्चन आम स्टार्ट करवा, आम ए सीरीज रो 470 क्वेश्चन सर जाइए, 470 क्वेश्चन कम्प्लीट हो सारी। आज आम 471 नंबर रु स्टार्ट करवा, 495 जाएँ करवा, 25 क्वेश्चन आज साउंड रो रहिबो। ठीक अच्छे, तो मैंने वन सर्ट देखने एमसीक्यू सीरीज कर, सो दैट तुम प्रिपरेशन बेटर बुस्ट हो पार। ओके, चलो आरंभ करदे क्वेश्चन। 471 नंबर क्वेश्चन कौन, वाटर वेव्स प्रड्यूस्ड बाय अ मोटर बोट सेलिंग इन वाटर आर। अच्छा, कौन जो गोटे बोटे पानी जाने गोटे बोट गला बेले कौ कौ वेव क्रिएट कर, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, मैंने ओनली लॉन्गिट्यूड, ओनली ट्रांसवर्स, ना दुटा जाक ना भितर कहीं भी नुह। देखो नॉर्मली हम फास्ट जानते दरकार लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल वेव आउ ट्रांसवर्स वेव कौन। लॉन्गिट्यूडिनल वेव हेले कौन हम ना जो डायरेक्शन ने वेव प्रोपागेट होची पार्टिकल गुड़ाक भी सही डायरेक्शन ने वाइब्रेट होते मैंने पारालाली दुटा काम हो। ट्रांसवर्स वेव कौन हम जो डायरेक्शन ने वेव प्रोपागेट होता परपेंडिकुलरली आम पार्टिकल गुड़ाक वाइब्रेट होते। ठीक अच्छे, तो जो मोटर बोट वाटर रे सेलिंग हो मैंने पानी रे जो जाऊँ बोटे से कौन हो पूरा पानी को डिस्टर्ब भी कर, प्लस फॉरवर्ड मोशन जो मैंने फॉरवर्ड डिस्टर्बेंस भी कर, से फॉरवर्ड डिस्टर्बेंस भी करुच्ची, से डाउनवर्ड डिस्टर्बेंस भी करुच्ची, तो मैंने परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस भी करुच्ची, पैरेलल डिस्टर्बेंस भी करुच्ची। परपेंडिकुलर डिस्टर्बेंस मैंने ट्रांसवर्स डिस्टर्बेंस भी करुच्ची, पैरेलल डिस्टर्बेंस मैंने लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टर्बेंस भी करुच्ची। तो हमारा आंसर कौन हो, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 472 नंबर क्वेश्चन कौन, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू द लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक्जिस्ट। तले को मीडियम पाई लॉन्गिट्यूडिनल वेव एक्जिस्ट करुच है ना। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव तुम गोटे एग्जांपल जानते, साउंड वेव टाइम लॉन्गिट्यूडिनल वेव, से गोटे मेकानिकल वेव भी है ना, नहीं तार मीडियम दरकार हुए, मीडियम दरकार हुए ना, नहीं तेल कौ वैक्यूम तो हम नहीं, वैक्यूम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पाई बा नॉन मेकानिकल वेव भी कहींपर बुझेगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव वेवटा कौन ना, साउंड वेव आम एग्जांपल जानी, साउंड वेवटा कौ कौन मूव कर पार ना, जो मटेरियल थी मीडियम थी से ही से मूव कर, मैंने एयर में भी मूव कर, वाटर में भी मूव कर। तो दुटा एक ऑप्शन होता ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, आपको चलो 473 नंबर क्वेश्चन कौन, देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन व्हिच वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ना ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ना लॉन्गिट्यूडिनल प्रोग्रेसिव वेव, ना स्टेशनरी वेव। देखो एनर्जी ट्रांसमिशन हेनी, एनर्जी ट्रांसमिशन मैंने कौन, जो वेव से मैंने से एनर्जी ट्रांसमिशन तो नॉर्मली वेव हवा कथा ना, एनर्जी ट्रांसमिट हवा कथा है ना, नहीं जदि एनर्जी ट्रांसमिशन हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो एनर्जी ट्रांसमिशन हुए, प्रोग्रेसिव वेव हुए, चाहे से लॉन्गिट्यूडिनल हो चाहे से ट्रांसवर्स हो, प्रोग्रेसिव वेव मैंने वेव मोशन करुच्छे, आ मोशन करुच्छे मैंने ऑब्वियसली एनर्जी ट्रांसमिट हो, तो जो थे ट्रांसमिट करूनी से किए मोर स्टेशनरी वेव हो, जो मैंने जान से मैंने लिखि इन स्टेशनरी वेव द वेव ओनली एक्सपैंड एंड श्रिंक, कौटी ना आर देयर पोजिशन विदाउट एनी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन है ना, तेणुक कौन सी एनर्जी ट्रांसमिशन हम ना, आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज स्टेशनरी वेव। आपको चलो 474 नंबर क्वेश्चन कौन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपागेशन इज कौन। ताले जो एनर्जी वेव प्रोपागेशन पाई मीडियम रो प्रॉपर्टी कौन होबा दरकार ना, ना द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, अच्छा कौ कौ प्रॉपर्टी नेसेसरी मीडियम रो कौ प्रॉपर्टी नेसेसरी कौन पाई ना, वेव प्रोपागेशन पाई कौ प्रॉपर्टी नेसेसरी हम, ऑप्शन तुम्हारे कौन अच्छी, इनर्सिया, लो रेजिस्टेंस, इलास्टिसिटी, ऑल ऑफ दैट, सबू तक ही दरकार, इनर्सिया थी दरकार, लो रेजिस्टेंस हवा दरकार मैंने किसी ऑब्स्टेकल बेसी आसा दरकार नहीं, ऑब्स्टेकल आसे प्रोपागेशन हो पार नहीं, इलास्टिसिटी थी दरकार मैंने प्रोपागेट होगा पुणी
इलास्टिसिटी माने कौन पुणी से प्रिवियस माने ओरिजिनल सिचुएशन को पुणी से बैक आसी पारुथिब तो इनर्सिया भी दरकार लो रेजिस्टेंस भी दरकार इलास्टिसिटी भी दरकार ताले ऑल ऑफ दिस इज हमर आंसर ऑप्शन नंबर डी इज बैठ हमर राइट आंसर आकु चलो 475 नंबर क्वेश्चन कहूँ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन कैन नॉट बी ऑब्जर्व फॉर साउंड वेव साउंड वेव पे अब तुर कोटा हे ही पारिबो नहीं रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन तो हुए डिफ्रैक्शन भी हुए है नहीं इंटरफेरेंस भी हुए पोलराइजेशन हुए नहीं पोलराइजेशन हमर कोथरे हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुए साउंड वेव पे हुए नहीं ओके तो ऑप्शन नंबर डी हिजबा हमर राइट आंसर व्हेन अ साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम गोटे मीडियम रु आ गोटे मीडियम को जेते बेला साउंड वेव जीवो द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड एंग भीतर को क्वांटिटी अनचेंज्ड रहइबो तमे एटा लाइट रे भी पढिचो को क्वांटिटी ना फ्रीक्वेंसी ता वेवलेंथ भी चेंज हबो एम्पलीट्यूड भी चेंज हबो स्पीड भी चेंज हबो चेंज हबोनी की फ्रीक्वेंसी चेंज हबोनी लाइट रे भी ए सेम जिंसरा हुए रिफ्रैक्शन ने ए सेम जिंसरा हुए फ्रीक्वेंसी चेंज हुए नी किसी पिला को लगे जो फ्रीक्वेंसी तो वेवलेंथ रो उल्टा जब फ्रीक्वेंसी चेंज हो मैंने वेवलेंथ भी चेंज हेनी से नुए वेवलेंथ भी चेंज हे स्पीड एम्पलीट्यूड समस्त चेंज हे केवल फ्रीक्वेंसी ही चेंज हेनी लाइट केस भी सैया साउंड केस भी सैया आपको चलो 477 नंबर क्वेश्चन कौन स्पीड ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय व्हाट स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव मैंने कौन स्पीड को हमें भी डिनोट करवा स्पीड डेफिनेशन मैंने नॉर्मली स्पीड आम कौन जानते मैंने वेव वेव क्या छाड़ दिया स्पीड मैंने कौन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन तो वेव केस रे भी सही स्पीड जगह भी लिखि दियो डिस्प्लेसमेंट वेव रो डिस्प्लेसमेंट माने कोन ए डिस्टेंस टा कोन कहंदी वेव रो डिस्प्लेसमेंट को लैम्डा कहंदी वेवलेंथ लैम्डा पकि दियो टाइम टेकन माने टोटल टाइम पीरियड ओके आ गोटे कोन हम जानछे ना 1 बाय टाइम पीरियड होछ हमरा फ्रीक्वेंसी तो एटा को लिखि परबी लैम्डा इनटू 1 बाय टी 1 बाय टी जगह फ्रीक्वेंसी लिखि परबी दैट इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखि दियो ठीक अछि न्यू से एन नहीं चीनी उन्होंने कि एन नहीं चाहिए एक कथा नहीं उन्होंने तुम्हें एन नौ चाहिए नहीं पार है ना तो यहाँ आम कौन ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर बी इज इक्वल टू एन लंबड़ा जोटा कि आम न्यू लंबड़ा बोली जानचे न्यू न लिखी से एन लिखी एथेर किसी सेमती खास डिफरेन्स ना 478 नंबर 478 नंबर क्वेश्चन कौन फॉर अ साइनोसोइडल वेव रिप्रेजेंटेड बाय साइनोसोइडल मैंने कौन साइन ना कॉस प्रेजेंटेशन हो वेव रिप्रेजेंटेड बाय वाई एक्स वाई ऑफ एक्स एंड टी ए साइन से कौन इक्वेशन तरह के ना वाई जे कि एक्स टी फंक्शन ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव फॉर ए गिवन ए एटा कौन मोर एम्पलीट्यूड फॉर ए गिवन ए द फैक्टर्स डिटरमाइंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ऑफ एनी पोजिशन आट एनी इनस्टाट जेकोसी टाइम वेव्र डिस्प्लेसमेंट वेवटा कौटी पहुँची जानापी कौ फेजटा आमको जनइब देख ये जो के एक्सटा भी आम आंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टीटा भी आंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइटा तो इट सेल्फ ही फेज है ना नहीं तो मैंने ये एंटायर सबुतक जो तक प्लस माइनस हो पारे ना समस्त एका टर्म ही था मन कर फाइव के जी आपल फाइव के जी आपल तीन लिटर आइसक्रीम को आड कर फाइव के जी सांग फाइव थ्री के जी को ही आड करी तीन लिटर सांगे से पांच लिटर को आड करी बुझेगा मैंने यमर यूनिट सामान थी दरकार आडिशन करने डिफरेंट डिफरेंट यूनिट हेल्ले आड करी ना सेम सेम यूनिट हेल्ले आड करी बुझे तो मैंने जो के एक्स ओमेगा टी आई एम समस्ते सेम यूनिट जिनस होते हैं से आडिशन सब्ट्राक्शन करके कौन पचार किए रिप्रेजेंट कर कौन फेज को किए रिप्रेजेंट कर डिस्प्लेसमेंट को किए रिप्रेजेंट कर देख एटा तो नुहे एटा तुम कौन किटा कौन कन्स्टाटा वेब कन्स्टाटा एटा नुहे टाइम इंटरवल तो खाली टाइम ए डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर आर है आंगुलर वेलोसिटी ये तो वेलोसिटी ये कमी डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर वेलोसिटी गोटे टाइम मल्टीप्लाई कले डिस्प्लेसमेंट आसो तो ये जो एंटायर टर्मटा ये पूरा फेजटा ही आमको मैंने कौन डिस्प्लेसमेंट पोजिशन मैंने वेब्र पोजिशन देख पार ठीक अच्छे तो हो जा रहा आंसर ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलो 478 479 ओके क्वेश्चन कौन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड कौन मैक्सिमम ये आम जानी ऑलरेडी कौन मैक्सिमम हो सॉलिड रे हो ऑब्वियसली मोर द डेंसिटी मोर द स्पीड कारण साउंड प्रोपगेट करने मीडियम दरकार करे आउ मीडियम भितर वाइब्रेशन हेले ही मीडियम रो पार्टिकल मानक भितर वाइब्रेशन हेले ही साउंड प्रोपगेट करिवो
तो कोई मीडियम जो मीडियम अधिक थी पार्टिकल्स लगे लगे कि से अधिक वाइब्रेट हे आधिक वाइब्रेट हे मैंने साउंड भल प्रोपागेट कर तो कौन थे सलिड्रे सब क्लोजली कंपैक्ट होती था इंटरमोलिकुलर स्पेस सबुठ अधिक कौन थे गैस रे तापरे लिक्विड रे तापरे सॉलिड रे आउ इंटरमोलिकुलर स्पेस जिते अधिक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कभी उल्टी जीव आगो सॉलिड तापरे लिक्विड तापरे गैस है ना नहीं तो से अनुसार गैस सॉलिड पार्टिकल मैंने बहुत क्लोजली कंपैक्ट होती था तो से मैंने बेटर वाइब्रेशन करेंगे बेटर वाइब्रेशन लीड्स टू बेटर स्पीड ऑफ साउंड वेव ओके तो आंसर नंबर ए सॉलिड हो जाए राइट आंसर आगे चलो 80 नंबर क्वेश्चन ने कही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड रो ट्रू रिलेशन कोटा देखो तुम जब जानी थी रिलेशन ताले ही कर परबो यार फार्मूला छ तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू गामा पी बाय रो रो रूट ओवर एटा का लाप्लास करेक्शन है ना नहीं गामा तो गला तुम्हारा स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रेशियो आ पी टा कोना प्रेशर रो टा कोना डेंसिटी ताले डेंसिटी सांगे कौन रिलेशन बोली पचार सब तो डेंसिटी अच्छे ना डेंसिटी सांगे कौन रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब ये दिन जगह कन्स्टांट तो मुझे कहीपरि भिजी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रो रूट ओवर तो यहाँ कौ ऑप्शन में अच्छी ऑप्शन नंबर डी रे अच्छी आमर तेल ऑप्शन डी ही आमर राइट आंसर 480 रो राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो सॉरी 480 सरला एटा होची 481 नंबर क्वेश्चन कौन कौन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स द स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर कौ वेव पाई स्पीडटा टेम्परेचर पर डिपेंड करे टेम्परेचर पर डिपेंड ये कर कारण टेम्परेचर लगे कौन हम डेंसिटी कमी जाए मटेरियल है ना नहीं टेम्परेचर बढ़िले डेंसिटी कमी जाए आ डेंसिटी कमिले कौन हम पार्टिकल पार्टिकल गैप बढ़ जाव बुझेगा और नॉर्मल जो तुम्हें सीधा डायरेक्ट स्पीड रिलेशन भी देखिबो वेलोसिटी तुम रिलेशन अच्छी गामा आर टी बाय एम रो रूट ओवर एटा कौन साउंड वेव रो रिलेशन टा अच्छी आ जदि लाइट पई देखिथिबो लाइट रो स्पीड रो फार्मूला कौन ना 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पई बुझेला तो एथरे को टाइम अच्छी कि नाही ये टाइम इंडिपेंडेंट ओके आउ वेलोसिटी आई टाइम डिपेंडेंट टेम्परेचर संगे टेम्परेचर स्क्वायर रूट संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो क्या पर डिपेंड किए डिपेंड कर टेम्परेचर पर साउंड वेव डिपेंड कर लाइट वेव तो डिपेंड करू ही ना ये तो टेम्परेचर ना ही टोटाली ये अच्छी तो साउंड वेव डिपेंड कर बुझेगा बी हो जाए राइट आंसर आपको चलो 82 नंबर क्वेश्चन ये क्वेश्चन कौन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज इनक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड फेन द टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड किंबा डिक्रीजेस बाय दिस मच अमाउंट व्हेन द टेम्परेचर राइजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिपेंड्स अपन द प्रेशर ऑफ द गैस डिपेंड्स अपन द कोफिशिएंट ऑफ द सीयरिंग ऑफ द गैस तो जो वेलोसिटी ऑफ द साउंड से क्या पर डिपेंड कर देख या तुम गोटे रिलेशन जान वेलोसिटी ऑफ साउंड एट टी डिग्री सेंटीग्रेड के जाए ना भि टी इज इक्वाल टू भि नट प्लस 0.61 इंटु टी ए भि नटा कौन वेलोसिटी आट 0 डिग्री सेलसीयस बुझेगा तापर जो टेम्परेचर टी डिग्री रईज करतेक आगुरी था ताद 0.61 मल्टीपल हो बढ़ बुझेगा तो यू मुझेपरि भि टी माइनस भि नट इज इक्वाल टू 0.61 इंटु टी तम कौन जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड रईज कर तो यहाँ के 0.61 अमाउंट बढ़ जाए यह जगह 1 पकड़े के 0.61 इंटु 1 दैट इज 0.61 तमें भि नट जी सरी भि टी हूँ एवं जीक है भि नट हूँ आगे जीक डिफरेन्स के 0.61 हो बुझेगा तो मुझे कहींपरि टेम्परेचर के बढ़ुँ 0.61 बढ़ुँची एटा इनक्रीमेंट ना आगे ये आबादी हो डिफरेन्सटा पॉजिटिव बाहर तमें टेम्परेचर तो बढ़ुची ए स्पीड तो बढ़ुची केते फैक्टर में बढ़ुच्छे ना 0.61 फैक्टर इनक्रीमेंट होपरि इनक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड व्वेन द टेम्परेचर रईजेस बाय 1 डिग्री सेलसीयस टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़िले वेलोसिटी दिस मच अमाउंट बढ़ुच्छे तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो 483 नंबर क्वेश्चन कौन अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक ऑडिबल रेंज ऑडिबल वेव ट्रैवल्स थ्रू अ मीडियम विथ स्पीड भी यू भी यू स्टैंड्स फॉर अल्ट्रासोनिक वेव भी आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रासोनिक वेव रो स्पीड आउ भी ए होची ऑडिबल रेंज रो ऑडिबल वेव रो वेलोसिटी ताले तांको दे रिलेशन कोन हबो फास्ट तो तुम जानछ दरकार ए माने की की अल्ट्रासोनिक वेव कोन जो वेव रो फ्रीक्वेंसी थिबो मोर देन 20,000 हर्ज बा 20 किलो हर्ज रु अधिक बुझेला सेमती इंफ्रासोनिक के जार फ्रीक्वेंसी थिबो 20 हर्ज रु कम ओके आ ऑडिबल रेंज के जार फ्रीक्वेंसी थिबो 20 किलो हर्ज रु कम किंतु 20 हर्ज रु अधिक है ना एको कहती तापर हम पचाउची ताले एमन को मीडियम जो थिबो अल्ट्रासोनिक इंफ्रासोनिक आ ऑडिबल एमन को भीतर कहार फ्रीक्वेंसी ए सॉरी कहार स्पीड अधिक स्पीड रिलेशन पचाउची फास्ट हम जानछ दरकार स्पीड रो फ्रीक्वेंसी एंड कोन रिलेशन कारण हम त एमन को फ्रीक्वेंसी गुडा जानि गले स्पीड रो फ्रीक्वेंसी एंड कोन रिलेशन गुडा क्वेश्चन हम एबे करथिले स्पीड इज इक्वल टू एन इनटू लैम्डा एन स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी ताले वेलोसिटी टा फ्रीक्वेंसी संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना नहीं त माने जहार फ्रीक्वेंसी जते अधिक हो तार वेलोसिटी सेते अधिक हो सबटु अधिक वेलोसिटी कारो अल्ट्रासोनिक रो सबटु अधिक फ्रीक्वेंसी ताठु कम कारो ऑडिबल रेंज रो 20 हर्ज रु 20,000 हर्ज भितर लाइक करछि ताठु कम 20 हर्ज रु कम के इंफ्रासोनिक वेव त माने यार फ्रीक्वेंसी सबटु कम माने या एई मीडियम रे वेलोसिटी सबटु कम हबो आ एई अल्ट्रासोनिक रो फ्रीक्वेंसी सबटु अधिक त माने सेथिर स्पीड सबटु अधिक हबो ओके तो ये हमारे कौन हो सब अधिक भी यू सब अधिक कौटी अच्छी भी यू ये भी यू सब अधिक ताठू कम भी ए ताठू कम इंफ्रासोनिक ओके तो मन को डाउट ए आसपार जो लेस देन इज इक्वल टू कहीं अच्छी लेस देन इज इक्वल टू ये अच्छी कारण यहाँ भितर थीन लाइन अफ डिफरेन्स अच्छी से ही 20 हर्ज को मुझे कहीपी इंफ्रासोनिक बोली से 20 हर्ज स्टार्टिंग मुझे कहते ऑडिबल रेंज बोली है ना नहीं तो से जो थीन लाइन अफ डिफरेन्स एक्जाक्टली 20 हर्ज अच्छी तो मुझे इंफ्रासोनिक कहि ना ऑडिबल कहि कहींपरि ना 20 हर्ज टिके कमी जो मैंने इंफ्रासोनिक टिके बढ़ी जो मैंने ऑडिबल बुझेगा तो इसमें लेस देन इज इक्वल टू बा ग्रेटर देन इज इक्वल टू नहीं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए ये राइट आंसर ओके आपको जावा 484 नंबर क्वेश्चन कौन साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अ मीडियम व्हिच एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज ई एंड आइसोथर्मल इलास्टिसिटी इज ई प्राइम द वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज प्रोपोर्शनल टू केते हबो अच्छा वेलोसिटी फॉर्मूला हमें कौन जानचे गामा पी बाय रो रो रूट ओवर बा एटा हम कहि परबा इलास्टिसिटी बाय रो रो रूट ओवर है ना नहीं देखो ये जो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी हमर किछि कहौ छी कहौनी एटा एटा हमर एडियाबेटिक इलास्टिसिटी है ना नहीं तो मैं कहि परबी वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एडियाबेटिक इलास्टिसिटी रो स्क्वायर रूट संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ठीक अछि तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इज प्रोपोर्शनल टू रूट ई ऑप्शन नंबर बी हे जो हमर राइट आंसर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी संगे किछि जाय आसे ही नहीं मोर ओके आपको चलो 485 नंबर क्वेश्चन कौन द स्पीड ऑफ साउंड इन अ परफेक्टली रिजिड रॉड गोटे परफेक्टली रिजिड रॉड रे साउंड रो स्पीड के देख जब परफेक्टली रिजिड रॉड अच्छी तार कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो तुम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इनफिनिटी हम बुझेगा स्पीड ऑफ साउंड फॉर्मूला हमें कौन जानचे इलास्टिसिटी बाय पी रो रूट सॉरी बाय रो रो रूट ओवर उपरटा ही इनफिनिटी इनफिनिटी अपन एनिथिंग गिव्स इनफिनिटी बुझेगा तो साउंड रो स्पीड भी तेरे इनफिनिटी हम ताप तुम एमती जब फर्मूला भी न जाने थो तुम फंडामेंटली करपर जदि ऑब्जेक्टा परफेक्टली रिजिड अच्छी तेतर थी पार्टिकल मैंने क्लोजली भेरी क्लोजली कंपैक्ट होते ही निज जगार डिस्प्लेस होगा चाहूना से निज जगार रही वाइब्रेशन हो वाइब्रेशन को फर्दर फॉरवर्ड कर चलिए तो जेहेतु रिजिड अच्छी तो से ताधरे वाइब्रेशन बहुत भल हम माने स्पीड बहुत अधिक हम बुझेगा तो इनफिनिट हो जाए ये राइट आंसर ओके बा जो माने फॉर्मूला से कंफर्टेबल से एमती भी करेंगे यहाँ क्या है ना परफेक्टली रिजिड बॉडी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी जिते बड़े प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी से यंग्स मॉडुलस पढ़ुते से क्वेश्चन भी करी थ्योरी भी कही परफेक्टली रिजिड बॉडी बहुत स्ट्रांग
सॉलिड पई अमर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बाय यंग्स मॉडुलस सब गुडा इनफिनिटी होतला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो 486 नंबर क्वेश्चन कहू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बॉडी टू द स्पीड ऑफ द साउंड इज कॉल्ड डैश एटा तमरो गोटे थ्योरी क्वेश्चन जार आंसर होची मैक नंबर ओके ऑप्शन नंबर ए हिजबो राइट आंसर एटा थ्योरी क्वेश्चन रे दोज नो दे नो दोज डोंट नो दे जस्ट रिमेंबर इट ओके यार बेसी आ भितर को पढ़ूनी खाली जस्ट नाम मन रखि था तब चल 487 नंबर क्वेश्चन 487 नंबर क्वेश्चन कहू द बल्क मॉडुलस ऑफ ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी दिस मच ऑफ डेंसिटी एतिकी अच्छा बल्क मॉडुलस एतिकी डेंसिटी एतिकी ताले बल्क मॉडुलस दिछ हमर 2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आउ डेंसिटी दे दीची 8000 केजी पर मीटर क्यूब ठीक अच्छे पचार स्पीड ऑफ साउंड इन द लिक्विड के स्पीड ऑफ साउंड रिलेशन आम बारंबार पढ़ी सारे कोफिशिएंट ऑफ सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपन डेंसिटी ये तो बल्क मॉडुलस क्या कही मैंने जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी प्रदान के प्रकार तीन प्रकार गोटे यंग्स मॉडुलस गोटे बल्क मॉडुलस आ गोटे सीयरिंग जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तीन टा अच्छी ये आमको बल्क क्या कही तो ये जगह आम बी पकई पार बी बाई रो रूट ऑफ बी वैल्यू के 8 × 10⁹ अपन रो वैल्यू के 8000 देखो ये समस्त वैल्यू एस आई रही तेनालीरु मतलब कनवर्सन करवा दरकार पड़ानी जब बाई चान्स ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कि डाइन पर कौन था सेंटीमीटर स्क्वायर ताल मत कनवर्सन करा दरकार पड़ता समस्त ही एस आई यूनिट अच्छा न्यूटन मीटर के जी मीटर समस्त ही एस आई यूनिट अच्छा तो आज यूजुआल आम सल्व कर 4000 तीन टा जीरो काट दिया सागे छा ना था तीन टा कटिगला छा जीरो रोक 10⁶ अपन 4 र रूट ओवर या मुझे कौन लिखिपरि 10³ / 2 10³ मैंने 1000 × 2 हूँ 500 कौन बाहर करूँ स्पीड बाहर करूँ मैंने मीटर पर सेकेंड समस्त एसआई यूनिट रे थे तेणुक स्पीड यूनिट भी एसआई यूनिट रोले कौटा हम रही 500 मीटर पर सेकेंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो रहा राइट आंसर ओके आपको चल 487 ओके क्वेश्चन कौच द एस आई यूनिट ऑफ प्रोपागेशन कांस्टेंट के प्रोपागेशन कांस्टेंट के रो एस आई यूनिट कौन फास्ट तो प्रोपागेशन कांस्टेंट के को हमें चिंता दरकार प्रोपागेशन कांस्टेंट के 2π/λ 2π गोटे कौन आंगेल सॉलिड आंगेल रो एस आई यूनिट कौन आम जानचे राडियन अपन लंबड़ा तो हूँ डिस्प्लेसमेंट वेव रो डिस्प्लेसमेंट को हमें लंबड़ा कहे है ना नहीं तार यूनिट के मीटर हो दैट इज रेडियन पर मीटर ऑप्शन नंबर ए होमर राइट आंसर ओके आगे चलो 489 नंबर क्वेश्चन 489 नंबर क्वेश्चन कौच ऑफ द फॉलोइंग द इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव इज के प्लेन प्रोग्रेसिव वेव रो इक्वेशन कौटा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव रो इक्वेशन कौटा जो आम जो न जानते कहीदे द पोजिशन ऑफ अ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव चेंजेस इन 2D प्लेन विथ टाइम तामने एथिरु कोन जना पडछि हमकु जो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव थिबो तार वेरिएशन अबाउट 2 डायमेंशनल प्लेन रे प्लस टाइम संगे वेरी करबो टाइम संगे वेरी करियो माने कोन ओमेगा टी रहइबो 2D प्लेन ने वेरी करछि माने कोन kx रहइबो तो नॉर्मल इक्वेशन हमें कोन जानछि y इज इक्वाल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी ए लिखने नहीं हमें बस से के एक्स न लिखिक माइनस प्लस के एक्सटा को माइनस के एक्स कर माइनस ओमेगा टी को प्लस ओमेगा टी कर प्लस माइनस डर प्लस जदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस रे जाऊ एक्सटा को प्लस नाला बेले जब रिफ्लेक्शन वेव हो रिफ्लेक्टेड वेव हो माइनस एक्स ना एति हूँ डिफरेन्स ओके तो बी हो राइट आंसर ये आम डिस्प्लेसमेंट ए नौ थ्योरी आठ से ए न नहीं कि आर नहीं ओके एथेर किसी खास डिफरेन्स ना देख स्ट्रक्चर सेम अच्छे ना नहीं स्ट्रक्चर सेम अच्छे मैंने यहाँ आम राइट आंसर ओके 489 रो बी हूँ राइट आंसर आपको चलो 490 नंबर क्वेश्चन कौच मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट्स फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग इज केते अच्छा गोटे मनीष मैक्सिमम बीट से केते सुनी पारिबो देख आम जब जानचे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग गोटे जानचे ना नहीं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कौन आम
परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग माने मनीष पई ही हैला 1/10 ऑफ अ सेकंड मैम कोई परबी 0.1 सेकंड त माने गोटे सेकंड रो 1/10 टाइम जदी करू छी सेति के समय गोटे मनीष रो कान रे गोटे साउंड रोय थाए माने हम गोटे साउंड जतो सुनु जे से हम कान रे केते टाइम जे परसिस्ट करबो ना गोटे सेकंड रो 1/10 टाइम परसिस्ट करबो बुझला इट से पछि हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय अ ह्यूमन इज केते आ फ्रीक्वेंसी रो डेफिनेशन कोनो नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड गोटे सेकंड रे केतरा वाइब्रेशन हे परबो एठी हम कोन कहू छी परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग रे गोटे सेकंड रो 1/10 टाइम रे हम गोटे सेकंड रो 1/10 टाइम पर्यंत हम कान रे गोटे साउंड रही परबो बुझला त माने एमती केते टा मैक्सिमम बीट मु रखि परबी मो कान रे गोटे सेकंड रे 10 टा रखि परबी आ गोटे सेकंड रे जति की थरो वाइब्रेशन हो छी सेटा ही मोर फ्रीक्वेंसी बुझला त मैक्सिमम नंबर ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी केते जइबो ताले ऑप्शन नंबर ए दैट इज 10 हि जइबा मोर राइट आंसर ओके आकु चलो 491 नंबर क्वेश्चन कहू छी डॉपलर फेनोमेना इज रिलेटेड विथ व्हाट डॉपलर फेनोमेना का संगे रिलेटेड पिच संगे रे ना क्वालिटी संगे रे ना लाउडनेस संगे रे ना रिफ्लेक्शन संगे रे जे तुम थ्योरी देखिनो वीडियो तो थ्योरी वीडियो देखले बेटर बुझी परबो डॉपलर इफेक्ट हमको कोन कहे डॉपलर इफेक्ट हमको कोन कहे ना गोटे लिसनर थाए आ गोटे सोर्स थाए बुझेला जितेबेले से माने परस्पर आडी अप्रोच करूचंती चाहे जणे मूव करू बा चाहे दि जण जक मूव करंतु जितेबेले से माने पाखा पाखी होउचंती जितेबेले से मानकर फ्रीक्वेंसी बढ़िबो बुझेला जे से माने वाइड अपार्ट होउचंती लर्नर गोटे जगह लर्नर कोछ लिसनर गोटे जगह अछि आ सोर्स ताटू दूरै जाउछि बुझेला चाहे लर्नर दूरै जाउ बा चाहे सोर्स दूरै जाउ से मानक भितर डिस्टेंस जदि बढ़ि जाउछि ताले फ्रीक्वेंसी कमी जीवो बुझेला आ फ्रीक्वेंसी का संगे डील करे पिच संगे डील करे जदि पिच जदि हाई फ्रीक्वेंसी देन हाई पिच जदि लो फ्रीक्वेंसी देन लो पिच जेमते हमें कहे जे मानको टोन रो पिच अधिक माने कोन से मानकर कथा कहबार फ्रीक्वेंसी अधिक हायर द फ्रीक्वेंसी हायर द पिच एते कथा हम गोटी पचारनी पचे डॉपलर फेनोमेना का संगे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी संगे रिलेटेड माने इनडायरेक्टली पिच संगे रिलेटेड तो ऑप्शन नंबर ए हिजबा हमरो राइट आंसर क्वालिटी का ऊपर डिपेंड करे जमती पिच फ्रीक्वेंसी ऊपर डिपेंड करछ सेमती क्वालिटी डिपेंड करे हमरो वेव फॉर्म ऊपर लाउडनेस डिपेंड करे एम्पलीट्यूड ऊपर ए माने समस्त होचंदी वेव रो कैरेक्टरिस्टिक ओके साउंड वेव रो कैरेक्टरिस्टिक 491 492 एटा अब पांचटा क्वेश्चन रहला देखि दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट वेव वेव विषय को स्टेटमेंटटा करेक्ट अछि बोले हमको पचाउछ ओके देखो पहला वेव्स आर पैटर्न्स ऑफ डिस्टर्बेंस व्हिच मूव विदाउट एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर ऑफ फ्लो ऑफ मैटर एज अ होल ठीक अछि एक्चुअली ऑब्जेक्टटा निजे मूव करेनी बल्कि खाली वेव रो पैटर्न डिस्टर्बेंसटा मूव कर चले बुझला तो एटा त हमर ठीक अछि तापर बचे छि वेव्स कैन नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी वेव ट्रांसपोर्ट करेनी नुह हाँ स्टेशनरीटा करनोथला त माने केही करिवेनी त नुहे ना तमने एटा भूल अछि प्रोग्रेसिव वेव तो एनर्जी ट्रांसमिट करिवो सब वेव गुडा का एक्चुअली एनर्जी ट्रांसमिट करिवे बुझला से माने निजे पार्टिकल मूव करिवेनी एट जेम द फर्स्ट ऑप्शन दिला तमरो कोन एक्चुअल फिजिकल ट्रांसफर हबनी ऑब्जेक्ट निजे मूव करिवनी बट एनर्जी टा को ट्रांसमिट करै चलिवो ओके तो से हिसाब रे टूटा हमरो भूल होउछि तीन नंबर देखो द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कैरी इनफॉरमेशन दैट प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट एही वे गोटे पॉइंट रु अदर पॉइंट को डिस्टर्बेंस टा कैरी ही चले बुझला द पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ वेव वेव फॉर्मेट रे ट्रांसमिट हे चले कैरी इनफॉरमेशन दैट प्रोपगेट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो एटा भी हमरो ठीक अछि आकु चलो ऑल आवर कम्युनिकेशंस एसेंशियली डिपेंड ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल थ्रू वेव हमर जे कोनोसी कम्युनिकेशन हो से नॉर्मली वेव फॉर्मेट रे ट्रांसमिट हे थाए तो एटा भी हमरो ठीक अछि खाली टूटा भूल अछि तो जो जो टू अछि तो काट दियो एटा टू अछि काट दियो आ कोठी टू नहीं बाकी तुम कर सारे एटा 1, 3, 4 हूँ जो थी अच्छी मैंने ऑप्शन नंबर डी हो जाए राइट आंसर ओके गोटे गोटे करके हूँ तो कर हाँ हो पार था टूटा तो हेनी तमें यहाँ काटदेव टू आ कौन नहीं ओके तम तुम आउ देख वन ठीक मारी तेने ओनली फोर तो हेनी 1, 3, 1, 3, 4 तुम सब तक ही पढ़ा पड़ता ओके आपको चलो 493
493 नंबर क्वेश्चन कहूँ मैच द कलम कलम मानने स्तंभ मिलन कर को कलम फास्ट कलम फास्ट कलम मेम्बर्स मैंने सेकेंड कलम को को मेम्बर सागर कनेक्टेड अच्छा ओके कहला ए रिजन अफ लो प्रेसर एंड लो डेनसीटी रिजन अफ लो प्रेसर एंड लो डेनसीटी आम कौन हुए पार्टिकल्स ऑसिलेट राइट एंगल एमती किसी तो कहींपर ना पार्टिकल ऑसिलेट्स इन द सेम डायरेक्शन एमती भी कहींपर ना कंप्रेशन हुए ना रेयर फ्रैक्शन हुए जदि लो प्रेसर आउ लो डेनसीटी अच्छी तो मैंने गैप थी मैंने कौन से मैंने छाड़ी छाड़ी थे आउ छाड़ी छाड़ी अच्छे मैंने कौन रेयर फ्रैक्शन तेल ए रनसर हो फोर ओके तापर चलो ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी तो मैंने यार जस्ट उल्टा एयर फ्रैक्शन जस्ट उल्टा किए कंप्रेशन देखि दियो ए फोर बी थ्री वाला कौटी कौटी अच्छे ए फोर बी थ्री एट आउटी ए फोर बी थ्री ना तो मैं तुम्हें अगर गुड़ाक न कले भी ये आंसर मारिपर ऑप्शन नंबर सी ही तुम राइट आंसर हो बाकी जेहतु मुझे तुमको बुझाऊँ तेनक तुमको बुझे दूँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे कौन हुए जो डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट करते पार्टिकल मैंने भी सही डायरेक्शन में प्रोपगेट करते मैंने वाइब्रेट वाइब्रेशन शो करती कौटी पार्टिकल्स ऑसिलेट्स इन द सेम डायरेक्शन पैरेलल डायरेक्शन में हुए ट्रांसवर्स वेव रे कौन हम पार्टिकल ऑसिलेट्स एट राइट एंगल जो डायरेक्शन में हुए प्रोपगेशन हुए ताकू राइट एंगल करके आम पार्टिकल मैंने ऑसिलेट करती तो यहाँ ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर सी ओके तुम गोटे कर ए फोर खाली करते भी करता देख ये ए थ्री ए वन ए थ्री तो ए फोर मैंने गोटे आंसर करके भी करता आउ एक्जाम एमती ही टाइम बचेब सबुतक करके तुम पूरा परफेक्टली कले तुमको गोल्ड मेडल मिलवार ना ओके खाली आमको ठीक आंसर में क्लिक करार अच्छी ठीक ऑप्शन में क्लिक करार अच्छी आउ ठीक ऑप्शन पर गोटे करी ही टेन अफ होता ओके 494 हो जाए यहाँ ए क्वेश्चन आमको कौच व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द सुपर पोजिशन ऑफ द टू हार्मोनिक वेव्स एट सोन बिलो तो यहाँ भितर ये दुटाक वेव को सुपर पोजिशन करेले कौन हम देख सुपर पोजिशन कर मैंने कौन दुटाक वेव को आड करी एटा मोर वेव नंबर वन एटा मोर वेव नंबर वन एटा मोर वेव नंबर टू यहाँ सुपर पोजिशन कर मैंने कौन जो जगह को आपस में मन कर यार डिस्प्लेसमेंट वाई वन यार डिस्प्लेसमेंट वाई टू तेल मोर सुपर पोजिशन केमती हुए वाई वन प्लस वाई टू तेल मुझे यजन को आड करी देख एम जी मैंने डेस्ट्रक्टिव ना कंस्ट्रक्टिव आगे देखीद मैंने अभीयसली कंस्ट्रक्टिव ये भी देख एमती स्टार्ट ये भी देख सेमती ही स्टार्ट तो मैंने परस्पर सागे आड होगी फ्रिक्वेन्सी बढ़े एम्प्लीट्यूड बढ़े ओके देख ये मोर केमती वेव अच्छी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओके ये कौन हो वन टू थ्री फोर फाइव भूल काउंट कल कि आज देख ल वन यू स्टार्ट हो तो यू स्टार्ट कले ये जाए तो यू स्टार्ट कले गोटे जाए ओके वन टू काउंटिंग भूल जाए देख आगे डिफरेन्स जी से ही हम मोर डिफरेन्स देख देख वेवटा काउंट कर कतटा हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स एटा सेवेन ओके एटा पाँच होता बोधे एक दुई तीन चार पाँच हाँ तो डिफरेन्स होते हैं टू हर्ज बीट रे नॉर्मली कौन हुए ना फ्रीक्वेंसी डिफरेन्स टाइम कैलकुलेट करा हुए बुझेगा कही व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स बीट्स मैंने कौन फ्रीक्वेंसी डिफरेन्स न्यू वन माइनस न्यू टू ये फ्रीक्वेंसी होता सतटा सतटा वेव हो मैंने फ्रीक्वेंसी सात ये पाँचटा वेव हो मैंने फ्रीक्वेंसी पाँच सतटा वेव और पाँचटा वेव तो बीट जो क्रिएट करी सुपर पोजिशन कला बीट को माइनस करदेवी माइनस कला कौन हम सेवेन माइनस फाइव दैट इज टू हर्ज हो मोर राइट आंसर टू हर्ज देख ऑप्शन नंबर डी रे अच्छे ओके ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन था देख ये जो नॉर्मली आम वेवटा एट स्टार्ट कले आमको प्रोब्लेम हेनी यहाँ हूँ मोर गोटे वेव तो मोटे काउंट करेंगे प्रोब्लम होता देख एम गोटे वेव ये हूँ ये गोटे वेव है ना तो सही तुम्हें काउंट करपर ये सतटा हूँ ये पाँचटा होके माइनस कले दुटा हो चल
495 आज रो लास्ट क्वेश्चन एटा क्वेश्चन कौन कौन टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस एंड दिस फॉर एक्स इन मीटर्स एंड टी इन सेकेंड द फेज डिफरेंस के हम अच्छा फास्ट तक देखिद वेव दुटा कौन कौन अच्छे वाई वन के ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 मीटर ओके आउ वाई टू के ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स एति मीटर तंग फेज डिफरेंस कैलकुलेट करिया पे फास्ट आगे सेम फेज माने सेम जो साइनोसोइडल वेव नीचे आम दुटाक सेम सेम फंक्शन ना दरकार देखो यहाँ साइन रो फंक्शन एटा कॉस रो फंक्शन तुम आगे फेज डिफरेंस केमी ही कैलकुलेट करी ये दिन जाक साइन ने सीना दिन जाक कॉस ने सीना फेज डिफरेंस कैलकुलेट करी तो ये कॉस को मैं फर्स्ट साइन करदेवी मुझे जानी साइन 90 माइनस थीटा हूँ मोर कॉस थीटा बा 90 प्लस थीटा भी नहींपरि ओके तो देख एटा को रिप्रेजेंट करदेवि ए साइन 90 माने पाई बाय टू लिख पारि माइनस भी नहींपरि प्लस भी नहींपरि जहाँ चाहिए नहीं पार ओमेगा टी प्लस के एक्स कारण साइन 90 माइनस थीटा भी मोर कॉस थीटा आउ साइन 90 प्लस थीटा ही मोर कॉस थीटा ओके दिस मच मीटर देख ए दिन जाक सेम फेज मैंने सेम फंक्शन रहा ना ये भी साइन फंक्शन ये भी साइन फंक्शन तो ये मुझे फेज डिफरेंस कैलकुलेट करें डेल फाय दैट इज फाय टू माइनस फाइव वन फाइव वन माइनस फाइव टू जहाँ भी नहींपर है कि मोर एटी भी ओमेगा टी प्लस के एक्स अच्छी एटी भी ओमेगा टी प्लस के एक्स अच्छी तो मैंने यही दुटाक टर्म डिफरेन्स हो मोर आंसर बुझेगा मैंने पाई बै टू माइनस 0.57 ये माइनस अच्छी बोले माइनस माइनस करके आड करदेवनी आ खाली फेज को देख कितनी डिफरेन्स अच्छी ये ये से अच्छी ये पाई बै टू एक्सट्रा अच्छे ये 0.57 एक्सट्रा अच्छे मैंने यही जन माइनस करार अच्छे या माइनस अफ माइनस कर प्लस करके नाट कर ओके सेम प्रॉब्लम भाई लगे तो ये प्लस करदेव ना 90 प्लस थीटा ओके पाई वैल्यू के 3.141 अपॉन टू माइनस 0.57 3.141 को माइनस टू टू डिवाइड करो के दुई के दुई बोला एक होगा एक दुई पंचा दस बोला एक होगा चार दुई सत्ता चौदह 0.57 आउ आपको जीवानी मोर धीरे सब्ट्रैक्शन सुविधा रही है 0.57 1.57 रू 0.57 माइनस कले कैसे वन रोज कौन कैलकुलेट कर फेज डिफरेंस तो यूनिट कौन रही है रेडियन ओके वन रेडियन हूँ ऑप्शन नंबर ए हो मोर राइट आंसर ओके ओके सरला ये मोर आज 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कम्प्लीट है ये साउंड चैप्टर थी ओके साउंड चैप्टर 25 क्वेश्चन कंप्लीट है वन सर देखिबो एमसीक्यू सीरीज करिबो आई होप दिस मच विल बी वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर यू ओके निश्चित भाव तुम एग्जाम पे तुमको एटा हेल्पफुल रहिबो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम मुँह भी रोचे तुम बेस्ट टाइम वेस्ट करनी आउ ये वीडियो देखी सारिकी सांगे सांगे तौक जाइक आगू कौन कौन रिल्स आस गई गड़े 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 चलो आउ अध घंटे है कौन ना मुझे लेक्चर वीडियो देखा यूट्यूब को आसती ना सेमती करनी पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दियो ओके ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट नमस्कार जय जगन्नाथ।